लास्ट क्लास में हमने फैराडे लॉज पढ़ लिए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे, कितने फैराडे रिक्वायर्ड है किसमें। तो उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन करो, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल्ड्राइज इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर एक्स मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स टू डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ Fe। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स क्या है, टाइम है इन मिनट्स। जो जो लेट ज्वाइन हुआ है, कल हमने फैराडे लॉज पढ़ लिए थे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम ऑप्शन क्या क्या है? क्या बोल रहे हो बच्चे? मैम ऑप्शंस नहीं है मैम? नहीं बेटा, NET है ये, मेंस का PYQ है एक्चुअली, आपकी बस प्रैक्टिस के लिए लगा दिया मैंने। आप मैम अप्रॉक्स में 1181 आ रहा वन वन एट वन आ रहे, है। यस मैम। आंसर तो नहीं है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं फिर। सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस, तो मतलब यहाँ पे आयरन +3 है, +3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है आयरन में। तो मतलब अगर 1 मोल आयरन डिपॉजिट कराना है तो 3 फैराडे या फिर 3 मोल इलेक्ट्रॉन उसको लगेंगे। और पूछा क्या है, कितने टाइम के लिए कराना है, करंट दे रखा है, डिपॉजिट कराना है इतना ग्राम। 1 मोल का मास मतलब 56, तो अगर 56 ग्राम डिपॉजिट कराना है तो 3 फैराडे लगेंगे। तो 0.3482 कराना है तो 3/56 इंटू 0.3482 फैराडे। और करंट दे रखा है 1.5, टाइम दे रखा है एक्स मिनट्स, तो क्यू हो जाएगा IT 1.5 x, ये कूलम्स में आ गया। इसको 9650 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी कूलम्स में हो जाएगा, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी। यही सॉल्व किया है पपिंदर? यस मैम। ओके, क्या आ रही है इससे आपकी एक्स की वैल्यू? मैम 1181.43। 1181 point समथिंग, ठीक है, इसके अराउंड ही आ रही होगी। और किसी का आया क्या? चलो अगर नहीं आया तो आई होप नोट कर लिया हो। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की पहले वेटेज देख लेते हैं। ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और ये टोटल। तो 17, 18, 19, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, 21 के बाद से हर साल क्वेश्चन आया है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए हाईली इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अब पूछने लग गया है, पहले चाहे ना पूछता हो। तो वही ट्रेंड हमें देखना है कि अब क्या चल रहा है, तो प्रैक्टिस इसकी करनी है अच्छे से। तो कंडक्टेंस जो हमारा पूरा टॉपिक है ब्रॉड सा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक मेटलिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और एक हमारा हो गया
इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस। तो ये वाला पार्ट तो आप बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते हो, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, और ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें पढ़ना है और ये वाला फिजिक्स में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा जो चैप्टर है उसमें गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया था पहले, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया, और अब ये कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी ना ऐसे तीन मोटे मोटे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, बस ये बचा है। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स, बैटरी और ये कोरोजन वगैरह, ये वाला पार्ट बस ये बच जाएगा, और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बस ये कंडक्टेंस है थोड़ा सा बड़ा, ये हो जाएगा तो समझ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। तो चलते हैं फिर आगे। कंडक्टेंस स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं पहले, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, तो ये सब। रेजिस्टेंस क्या, आप लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया फिजिक्स में? चल रहा है मैम वो। चल रहा है, रेजिस्टेंस पढ़ लिया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? बोलो बच्चों, रेजिस्टेंस। मैम जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज करे। गुड, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपोज करे, वायर में जैसे इलेक्ट्रॉन या फिर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कुछ अगर अपोज कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर बोला था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोला था। अगर लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था जो था रो, तो रो इंटू एल बाय ए, ये आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम ओम। और ये जो कांस्टेंट आया है इसको बोला रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया गया? जैसे ये जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो बोला गया जब लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब क्या होगा? आर इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो इसका मतलब तब जो रेजिस्टेंस आ रही है, जब इतनी लेंथ की वायर हो और इतना एरिया हो, तब जो रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट्स की बात कर ले अगर, तो आर इंटू ए बाय एल हो जाएगा रो, तो क्या इसकी यूनिट आ गई ओम, और यहां से मीटर, ओम मीटर। ठीक है यहां तक? अब आता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे ज्यादा मतलब ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज बेसिकली कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। तो जी को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय आर, और आर क्या था? रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए। तो ये फॉर्मूला आ गया कंडक्टेंस का, ए इंटू ए अपॉन रो एल। यूनिट्स की बात कर लेते, क्योंकि रेजिस्टेंस की ओम है तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को और बोलते हैं साइमेंस, या फिर एस से इसको डिनोट करते हैं, ओम इनवर्स या फिर साइमेंस। अब जी क्या आ गया? 1 बाय रो इंटू ए बाय एल। अब इस 1 बाय रो के लिए भी हमारे पास एक अलग यूनिट है, अलग क्वांटिटी है, जिसको बोल रहे हैं कापा। ग्रीक सिंबल होता है ऐसे, इसके के थोड़े ऐसे मुड़े मुड़े हाथ पैर होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे हम के ही लिख के चलेंगे, लेकिन इसको बोलते क्या है? कापा। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाय एल। और ये कापा क्या है?
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटीज कापा, तो जैसे वहां पे रेजिस्टिविटी थी, यहाँ पे है कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब 1/ρ, कापा इज इक्वल टू 1/ρ। तो अगर ये 1/ρ हो गया तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, उसकी आई थी ओम मीटर, इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। और कई जगह पे मीटर्स को सेंटीमीटर्स में देखोगे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी काफी जगह देखने को मिलेगी। और जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से, जी इज इक्वल टू कापा ए बाय एल में। अगर एरिया है 1 हो, लेंथ भी 1 हो, तब जो कंडक्टेंस आ रही है दैट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, ठीक है। अब कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या है, जो आराम से अपने अंदर से करंट या हीट को फ्लो करने देते हैं, इंसुलेटर्स जो बिल्कुल नहीं करने देते, और सेमीकंडक्टर्स का तो प्रिंसिपली बिल्कुल अलग है, उसको अलग से स्टडी करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं और केमिस्ट्री में। पहले सॉलिड स्टेट में कराया जाता था लेकिन अब तो वो कट चुका है, तो केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ोगे इसको, फिजिक्स में पढ़ोगे, वरना आई डोंट नो फिजिक्स से भी अगर अब हटा दिया तो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स ये रहे, मेटल्स जो कि हैं गोल्ड, आयरन, स्टील, सिल्वर, कॉपर या सी वाटर। सी वाटर क्यों है, बिल्कुल मतलब बिना सॉल्ट का वाटर, या फिर इसमें अंदर कुछ भी अगर मिनरल्स या सॉल्ट्स नहीं है तो फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्ट करने के लिए चाहिए उसको आयन्स, और वो आयन्स कहाँ से आएंगे, किसी सॉल्ट से या फिर किसी मिनरल से या जो भी उसके अंदर डिजोल्व होगा। उसके बाद इंसुलेटर्स, रबर, वुड, ग्लास, फैब्रिक्स, प्लास्टिक, एयर, ये सब इंसुलेटर्स। हवा में हमें ऐसे करंट तो नहीं लगता ना, अगर किसी मेटल के टच हो तभी लगेगा, तो ये क्या है, इंसुलेटर्स। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इसकी मतलब पूरी इंडस्ट्री में इसकी इतनी एप्लीकेशन है जिसकी मतलब गिनती नहीं, इतनी एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेन जो हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आयनिक कंडक्टेंस। अब नाम में ही है आयनिक, और कंडक्टेंस आपको मैंने पढ़ा दिया, तो आयनिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस आ रही है दैट इज आयनिक कंडक्टेंस। तो इसको लिखो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। तो आयंस आ कहां से रहे हैं, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल दिया तो उसमें उसके कैटायन और एनायन अलग अलग हो गए, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं आयनिक कंडक्टेंस के लिए, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो करंट जनरेट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलने से उसके आयंस अलग अलग हो गए, तो या फिर उसको मेल्ट कर दिया था हमने, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में मोल्टन एनएसीएल देखा था, मेल्ट करना या फिर उसको उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना, तो आयंस उसके अगर कहीं जनरेट हो रहे हैं तो दैट विल जनरेट आयनिक कंडक्टेंस। तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे फर्निश देयर ओन आयंस, दे फर्निश देयर ओन आयंस
विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे फर्निश देयर ओन आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब आयनिक कंडक्टेंस जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब इन फैक्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इनको लिख लो एक साथ. तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. दूसरा इफेक्टिव साइज ऑफ आयंस. तीसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है यहाँ पे विस्कोसिटी कितनी है उसकी. विस्कोसिटी का मतलब पता है आपको क्या होता है? अगर हनी है एक और एक जगह वाटर है, तो इन दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है. ज्यादा गाढ़ा है तो धीरे धीरे वो फ्लो करता है. तो इस पर डिपेंड करता है कंडक्टेंस. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. और लास्ट में टेम्परेचर. ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्टिव साइज ऑफ आयंस, विस्कोसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर. चले आगे. ठीक है, तो अब कंडक्टर्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया मेटलिक कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में. इसके कुछ मतलब बस बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हमें देखने हैं, ताकि एक बार पूरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो क्लियर हो जाए. तो मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो सबसे मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स थे वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर्स होते हैं आयंस. जो भी कैटायन, जो भी एनायन बन रहे थे, दे आर द चार्ज कैरियर्स है. दूसरा, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता, नो केमिकल चेंज हियर. लेकिन यहाँ पे हमने देखा जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा था, कभी कोई गैस रिलीज हो रही है, कभी कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है. तो यहाँ पे हमेशा कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है. तीसरा, यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ मास, जैसे वहां मास डिपॉजिट हो रहा था या कम हो रहा था, मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा था. लेकिन मेटलिक कंडक्टर्स में कोई ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे होता है ट्रांसफर. फोर्थ, इनका जो रेजिस्टेंस का कारण है मेन, वो है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो वो इनका क्या था, मेन रेजिस्टेंस का कारण था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आयंस भी कर सकते हैं. तो एक रीजन तो है ही आयंस का कोलिजन. लेकिन एक और क्या इम्पोर्टेंट रीजन है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, कि आयंस का अपने आप में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो इंटर आयनिक मतलब आपस में आयंस का इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस के उस पे. फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर का. यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे और ज्यादा कोलाइड कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है. क्यों होता है उसको हम तब देखेंगे जब हम फैक्टर्स पूरे पांचों के पांचों डिस्कस कर रहे होंगे. ये डिफरेंसेस क्लियर हुए? ठीक है. अब मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस. जो भी आयनिक सॉल्यूशंस है उनकी कंडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है? डायरेक्टली कंडक्टिविटी नहीं मेजर की जाती, पहले रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है और फिर रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के क्या था, रो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए. और क्योंकि कंडक्टिविटी चाहिए तो इस रो को कन्वर्ट कर लेंगे कापा में, तो 1 बाय कापा एल बाय ए. तो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करके इस कापा की या फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करते हैं. ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये है कंडक्टिविटी सेल.
ये कंडक्टिविटी सेल क्या है, जैसे दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमेशा, वही दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप कर रखे हैं सोल्यूशन में, जिस भी सोल्यूशन का हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे उसकी वायर्स लगी हुई हैं, जिस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया आपने? किसी ने भी नहीं पढ़ा? मैम 10th में पढ़ाया था। 10th में पढ़ाया था। चलो ठीक है, मैं भी बता दूंगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन इजी है, कुछ है नहीं, बस वो एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया जाता है टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। वो शायद आप अपनी फिजिक्स लैब में भी करोगे, पता नहीं मेरे को। आप लैब्स होती हैं आपकी जब स्कूल ओपन होते हैं? ओके, तो हाँ हो सकता है वहां पे आपको फिजिक्स लैब में ही कराया जाए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान देनी है, कि जो भी करंट यूज हो रहा है ना, वो एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, और ना कि डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ना कि डायरेक्ट करंट, क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट लगा दिया जाए इस पे, तो क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रोड्स पे, कोई एक पॉजिटिव हो जाएगी, एक नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं, क्या क्या होने लग जाता है, कभी गैस हो रही है, कभी मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो जो हमारा मेन एम था कंडक्टिविटी का, वो अब पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि अब उसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो चुकी है सॉल्यूशन की, मेटल कहाँ कहीं से कहीं जा चुका है, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो एसी यूज करते टाइम क्या होता है, कि वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है करंट। तो अगर एक टाइम पे ये पॉजिटिव है, एक टाइम पे ये नेगेटिव है, तो जस्ट उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, कभी एक पॉजिटिव, कभी एक नेगेटिव। तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि ये इतना जल्दी जल्दी हो रहा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता कि इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ आए कि हाँ मेरे को होना है, पोलैरिटी आ गई है। तो ये बहुत फास्टली इसका जो है करंट पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो एक तो ये हो गई इम्पोर्टेंट बात, और क्या हो गया कि इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करके कापा जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो टर्म है एल बाय ए, इसको एक अलग से खास नाम दे रखा है, सेल कांस्टेंट, और डिनोट करते हैं इसको जी स्टार से। ये जी स्टार वाली मतलब यूज नहीं करते यूजली, लेकिन बस पता होना चाहिए कि जी स्टार से इसको लिखा जाता है। तो ये सेल कांस्टेंट है क्या, जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एल, और इस सेल का जो एरिया है दैट इज ए, दैट इज एल बाय ए, यही है एक सेल कांस्टेंट। इन सेल कांस्टेंट्स की वैल्यू पहले से डिटरमाइन की जाती है यूजिंग केसीएल। केसीएल की जो कंडक्टिविटी की वैल्यूज है, कापा की जो वैल्यूज है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है लिटरेचर में, और एनसीईआरटी में भी आप अगर देखोगे तो एक टेबल है केसीएल की वैल्यूज का, उसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है उसकी केसीएल की, और उसके ऊपर उनकी कापा की वैल्यूज जो है वो डिटरमाइन करी हुई है। अब वो किस प्रोसेस से करी है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो उससे कापा की वैल्यूज से एल बाय ए की जो वैल्यूज हैं लोग कैलकुलेट करते हैं अपने, जो भी वो सेल परचेज किया है या किसी ने बनाया है या फिर जो भी है, वो एल बाय ए की वैल्यूज या फिर सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं। तो वो उसके ऊपर मेंशन भी होती है कई बार सेल के ऊपर, और कई बार अगर नहीं भी होती तो भी करवा ली जाती है एल बाय ए की वैल्यू पता। तो एल बाय ए की वैल्यू आ जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है व्हीटस्टोन ब्रिज से, अभी देखेंगे इसको। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई तो आ जाती है कापा की वैल्यू। देखें अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, अब देख के थोड़ा बहुत याद आया होगा। तो यहाँ पे हमने देखो R2 पे लगा दिया कंडक्टिविटी सेल, R1 पे लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं, और ये हो गए R4 और R3। तो ऐसे चार से वो लगा देते हैं रेजिस्टेंस। अब इसकी भी कोई रेजिस्टेंस है ही कंडक्टिविटी सेल की जो हमें मेजर करनी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या खास होता है, कि जब हम इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कि ये जो बीच की वायर है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, और ये डिटेक्टर से पता चल जाता है अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब आपका सेटअप गलत है। तो हम इसको इस तरीके से सेटअप करते हैं जिसमें कोई करंट फ्लो ना करे, और जब ऐसा होता है, जब कोई करंट फ्लो ना करे, तब हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जो ये R2 है
और ये आर फोर उसके नीचे, तो आर टू बाय आर फोर इज इक्वल टू आर वन बाय आर वन बाय आर थ्री। अब याद आया व्हीटस्टोन ब्रिज, बस यही था। इससे क्या होता था, तीन रेजिस्टेंस दी होती थी और एक की रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती थी, और हमें यहाँ पे किसकी फाइंड करनी है, कंडक्टिविटी सेल की, बाकी रेजिस्टेंस जो है ये नोन है। तो R2 क्या हो जाएगा, R1 into R4 upon R3, ये सारी वैल्यूज नोन है, तो हम कंडक्टिविटी सेल की जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस आ गई तो इजीली हम सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करके कंडक्टिविटी बता सकते हैं। ये पूरा तामझाम किया जाता था पुराने जमाने में टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। आज के जमाने में क्या है, कंडक्टिविटी मीटर्स आ गए हैं, कंडक्टिविटी मीटर्स आ गए हैं मार्केट में। इसका बहुत मतलब यूज करना बहुत इजी होता है, जिस भी सॉल्यूशन का निकालना है सिंपली इसमें डिप कर दो और इसके साथ में कनेक्टेड होता है ऐसे मीटर सा, ऐसे एक डब्बा सा होता है यहाँ पे, वो डिजिटली जो भी वैल्यू आ रही है कंडक्टिविटी की वो यहाँ पे नजर आ जाती है, और ये वायर से कनेक्टेड होता है, कंडक्टिविटी मीटर ऐसे करके होता है, वो हम डिप कर देते हैं सॉल्यूशन में जिसकी भी निकालनी है कंडक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो कंडक्टेंस टॉपिक में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है ये टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी जो अब स्टार्ट हुआ है। पीछे वाला बस इसका बेस बनाना था, अब बेस बन गया आप लोगों का, तो अब समझेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या। देखो मोलर कंडक्टिविटी की पहले तो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने फैक्टर्स जब लिखे थे तो वहां पे एक फैक्टर लिखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन अलग होते ही कंडक्टिविटी अलग हो जाती है, तो उस चीज को मतलब फैक्टर, इस फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन वाले फैक्टर को एक यूनिट में लिखने के लिए ये क्वांटिटी बनाई गई जो थी मोलर कंडक्टिविटी। ये है क्या, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, और फॉर्मूले में लिखते हैं इसको कापा बाय सी। कॉन्सेंट्रेशन में मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्लूड कर दिया हमने कंडक्टिविटी में डिवाइड करके उससे, तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, लिखो defined as, molar conductivity is defined as conductance of an electrolytic solution, conductance of an electrolytic solution due to all ions obtained from, due to all ions obtained from one mole of electrolyte. जहां पे एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उसको पानी में घोलने की वजह से जो भी आयंस ऑब्टेन हुए, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आई उसको बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर वर्ड मतलब एक मोल से जो इलेक्ट्रोलाइट्स आए, मतलब डिफाइन ऐसे किया गया कि एक मोल से, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट घोलने से जो आयंस प्रोड्यूस हुए उन आयंस से जो कंडक्टेंस आई दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर इसमें इंक्लूड कर दिया इन्होंने। तब यूनिट्स की बात कर लेते हैं, लैम्डा एम है कापा बाय सी। अब अगर एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट्स में कापा होगा साइमन मीटर इनवर्स में या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, और सी जो उसमें होगा एसआई यूनिट्स में दैट विल बी मोल पर मीटर क्यूब। और जब इनको आपस में डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, साइमन ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स। ये हो गई एसआई यूनिट की बात, लैम्डा एम की एसआई यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब है क्या, मतलब हम इस यूनिट में तो किसी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते नहीं है ना, या तो मोलारिटी में कर लेते हैं, मोलारिटी में कर लेते हैं, ये मोल पर मीटर क्यूब में कभी देखा नहीं। तो मोलारिटी जो होती है वो मोल्स पर लीटर में होती है, और इसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब डेसीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब आपस में इंटरकन्वर्टिबल है ही, कैसे,
एक मोल पर मीटर क्यूब को अब हम लिखने जा रहे हैं 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोल्स पर लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स। तो एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, वही यहाँ पे लिख दिया 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, और इसको लिख दिया मोल्स पर लीटर। तो अब होगा क्या, बस जो फॉर्मूला नया बन के आया है दैट विल बी कापा अपॉन 1000 इंटू m। एक फॉर्मूला ये आया, 1000 मल्टीप्लाई क्यों किया, जो भी मोलारिटी होगी वो होगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, और वो भी आपको अगर याद हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर क्यूब 10³ डेसीमीटर क्यूब। तो इस इंटर कन्वर्जन से ये 1000 नीचे मल्टीप्लाई किया गया, मोलारिटी हमें लेनी है मोल्स पर लीटर में या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, और कापा यहाँ पे है साइमन मीटर इनवर्स में। तो ये वाली जो टर्म्स है ये भी मीटर की टर्म्स में आ गई, ऊपर मीटर है ही, तो ये आपस में कैंसिल वगैरह हो गया, क्या यूनिट देगा साइमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, सेम ये वाली। ठीक है, जब मोलारिटी दी हो मोल्स पर लीटर में और कापा दी हो साइमन मीटर इनवर्स में, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके okay? ठीक है, एक चीज ये आ गई, और मैंने बोला था कि कापा आपको कई बार देखने को मिलेगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो उस केस में क्या करेंगे, तो लैम्डा एम कापा बाय सी। तो अगर कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हो, तब लैम्डा एम की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन वही बात है, ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हम कहीं देखते ही नहीं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, अगर दिखती है तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे कापा बाय सी, लेकिन अगर ना दिखे तब क्या करना है। अब जो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा एम वो बनेगा कापा इंटू 1000 बाय m। अब की बार जो 1000 है वो ऊपर रहेगा, किस केस में, जब कापा हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और मोलारिटी हो मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। ये कहाँ से आता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 10³ सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसकी बात करें जैसे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ऐसा होता है ये। जाना तो ये क्या होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 10³ - 3 पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे इंटर कन्वर्जन करके ये 1000 जो है -3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कापा इंटू 1000 बाय m। एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया, जब कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो और मोलारिटी के वैल्यू यहाँ पे पता हो। ठीक है बच्चों, मैंने एक बार पीछे वाला फॉर्मूला दिखाना। ये ओके okay. तो काफी ज्यादा मैथमेटिकल बातें हो गई, तो अगर हम इसको एक पेज पे पूरा समराइज करके लिखें, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बताया लैम्डा एम का वो था कापा बाय सी, यहीं से सारे फॉर्मूले हमने जो 1000 वाले थे वो निकाले थे। इसमें क्या था, साइमन मीटर इनवर्स में था कापा और कॉन्सेंट्रेशन थी मोल्स पर मीटर क्यूब में, तब जो लैम्डा एम की यूनिट आ रही थी वो आ रही थी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। और अगर कापा यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हो, ये वाली, तब आ रही थी हमारी ये यूनिट। तो इस फॉर्मूले का अभी तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमें यूज होंगे न्यूमेरिकल में
वो बाकी दोनों ही है, जैसे लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन एम इंटू थाउजेंड। ये हमें कब यूज करना है, जब कापा किसमें है, साइमन मीटर इनवर्स में, और मोलारिटी है मोल्स पर लीटर में। मतलब मोलारिटी तो हमेशा मोल्स पर लीटर में ही होगी या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिखी होगी। तब जो लैम्डा एम की यूनिट आ रही है दैट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेम ऊपर वाली। थर्ड फॉर्मूला था लैम्डा एम का, कापा इन 2000 बाय एम। अब कापा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर 1000, और ये कब था, जब कापा था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और मोलारिटी मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तब जो लैम्डा एम की यूनिट आ रही थी दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पे हमने 1000 नीचे मल्टीप्लाई किया था ताकि हम डेसीमीटर क्यूब वाली चीज को, मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करते मोल पर मीटर क्यूब में। और यहाँ पे हमने 1000 जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था, 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। अब समराइज कर दिया तो और बेटर हुआ, क्लियर हुआ। तो बस जहां पे हमें कापा की यूनिट देखनी है, अगर ये वाली यूनिट में दिया है और मोलारिटी दी होगी तब ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, और अगर कापा की ये वाली यूनिट दी होगी तो हम 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला आई डोंट थिंक आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, मोलारिटी दे रखी है, कोई बताएगा ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। गुड, पापा ये कापा दे रखा है, सी आ रहा है। और बच्चे बताओ, ओके सबका सी आ गया। कापा दे रखा है 5.76 × 10⁻³, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलारिटी दे रखी है 0.5 मोल्स पर लीटर। निकालनी है लैम्डा एम, तो यूनिट देखेंगे, सेंटीमीटर वाली दिया तो कापा इन 2000 बाय एम। यही फॉर्मूला लगाया सबने, ऊपर 1000 रखा, तो इससे आपका ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, इस पे दोबारा वापस आएंगे। पहले बस एक कंसेप्ट और कर लेते हैं आज के लिए, जो कि है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अभी हमने जैसे देखा लैम्डा एम था वो था मोलर कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्यू से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और डिफाइन कैसे करते हैं कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसके साथ जिसके जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास हो इलेक्ट्रोलाइट का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास हो इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें हमने कैसे डिफाइन किया था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, जो नॉर्मैलिटी वगैरह आप पढ़ते थे पहले। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिखो, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वहां पे था कापा इंटू 1000 बाय एम, यहाँ पे है कापा इंटू 1000 बाय एन, एन इज नॉर्मैलिटी। तो या तो आपको डायरेक्ट नॉर्मैलिटी दी हो क्वेश्चन में, या फिर अगर नॉर्मैलिटी को ओपन अप करके लिखे तो ये याद है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला याद है, इसको ऐसे याद करते थे नमन। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये जो टर्म है कापा इंटू 1000 बाय एम, दिस इज लैम्डा एम, तो इसको लिख दिया लैम्डा एम बाय एन। तो अगर लैम्डा इक्विवेलेंट को, मतलब लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी अगर हम एन से डिवाइड कर दें, एन आयंस के केस में क्या होगा, उनका चार्ज ही होगा, तो
सपोज अगर एन ए प्लस की बात हो रही है तो एन की वैल्यू क्या होगी? वन। सी एल माइनस की बात हो रही है तो एन की वैल्यू क्या होगी? वन। एम जी टू प्लस के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? टू। टू। वही यहाँ पे हमें एन की जगह पे पुट करना है। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसको एन से डिवाइड कर देंगे, और अगर नॉर्मालिटी दे रखी है तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, जब कापा दे रखा है सेंटीमीटर वाली यूनिट्स में, और अगर मीटर वाली में दे रखा हो तो 1000 नीचे रख लेना, जस्ट लाइक पीछे किया था। ठीक है, क्वेश्चन देखें इसका। चलो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलारिटी दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता दो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है। अदिति का आ गया, ठीक है। अदिति बेटा कैसे किया है? मैम वही फॉर्मूला लगा के जो के इंटू 1000 बाय एम इंटू एन। गुड, के इंटू कापा इंटू 1000 अपॉन एम इंटू एन, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्मैलिटी नहीं दे रखी, मोलारिटी दे रखी है। एन की वैल्यू बताओ कितनी रखोगे? वन। वन, क्योंकि केसीएल है और सॉल्ट्स में कैसे रखते थे, जो भी या तो एनायन का चार्ज हो या जो भी केटायन का चार्ज हो, टोटल दैट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ए आ रहा है आपका 140। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक बार ये पी वाई क्यू ट्राई करो 2023 का। कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन इज दिस, रेजिस्टेंस इज दिस, द वैल्यू ऑफ सेल कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू बतानी है। कंडक्टिविटी दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन 1.26। गुड, बढ़िया बच्चों, ये सेंटीमोलर का कुछ काम था क्या? सेंटीमोलर का कुछ काम था क्या, कहीं यूज किया क्या? बताओ, अब तो आंसर भी आ गया, नहीं किया ना? हाँ वही तो पूछ रही हूँ बस। सेल कांस्टेंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस दे रखी है और क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी पापा दे रखा है। तो क्या आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए पढ़ाई था, जिसके अंदर एल बाय ए क्या था, सेल कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू 1 बाय कापा इंटू एल बाय ए, तो एल बाय ए डायरेक्टली क्या आ गया, आर इंटू कापा, दोनों की वैल्यूज दे रखी है 60 और 0.0210। ऑप्शन टू 1.26। देख लो कितने आसान आसान ही पूछ रहा है अभी तो। चलो अब ये क्वेश्चन करो 2000 का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज दिस,
रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सेम कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी दिस. तो सेल कांस्टेंट बताना है, इसमें भी सेल कांस्टेंट पूछा हुआ है. और बच्चे भी बताओ. आ गया सबका भी? ठीक है बच्चों, वही सेम है सेल कांस्टेंट, वही फॉर्मूला लगाया होगा. आर इज इक्वल टू 1 बाय कापा इंटू एल बाय ए. कापा दे रखा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो एल बाय वही सेम आर इंटू कापा करके, तो ये आ रहा है आपका 0.66. ठीक है, नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे अभी, उन क्वेश्चंस पे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ दिस मोलारिटी, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये है उसकी रेजिस्टेंस. तो कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. एरिया कैसे निकालोगे इसमें? पाई आर स्क्वायर एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर करके, क्योंकि सेल क्या था? सिलेंड्रिकल था. रेजिस्टिविटी तो कैलकुलेट हो गई होगी सबसे पहले. मैंने 87.13 आ रही है रजिस्टर। 87.13. हाँ यही है. ठीक है, मैम स्पेशल
मोलर कंडक्टिविटी 22 आ रही है। 22 229 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। हाँ मैम वही आ रही है अप्रोक्सीमेट। ठीक है तो निकाल लिया सबने रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट हो पाएगी, तो आर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाय ए, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी आर इंटू ए बाय एल, आर दे रखा है, और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा, और लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो इससे रेजिस्टिविटी आपकी 87.13 समथिंग आएगी ओम सेंटीमीटर। दूसरा फिर क्या कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कापा 1/रो, तो इसका रेसिप्रोकल करके आपका आएगा 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी सब कुछ सेंटीमीटर्स में लिया है, तो कापा इंटू 1000 बाय एम वाला फॉर्मूला लगाया, तो इसको सॉल्व करके मोलारिटी कहाँ है, ये रही 0.05 मोल्स पर लीटर, इसको सॉल्व करके आएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आ गई थी ये तीनों वैल्यूज। ठीक है तो इससे मतलब ये क्वेश्चन का एम बस फ्लो समझना था कि पहले हमें रेजिस्टिविटी चाहिए होती है, फिर हमें कंडक्टिविटी चाहिए होती है, तब जाके हम लैम्डा एम या फिर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो बस लास्ट। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज 100 ओम्स, मोलारिटी दे दी है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, ये दूसरी मोलारिटी दे दी है और तब रेजिस्टेंस इतनी है। तो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस जो सेकंड सेल है उसकी, पहले सेल की कंडक्टिविटी दे दी है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, तो दूसरे सेल की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। मैम उसकी कंडक्टिविटी 0.24 आ रही है 0.24, हाँ सही है, और मोलर कंडक्टिविटी 1.2403 के अप्रोक्स आ रही है। 1.24 ठीक है। तो सेम सेल की बात कर रहा है वो, बस कंसंट्रेशन दोनों में अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करने से रेजिस्टेंस अलग अलग आ गई है। पहले वाले की कंडक्टिविटी दे रखी है, तो दूसरे वाले सेल की हमें निकालनी है कापा और लैम्डा एम। तो कापा के लिए वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए वाला, तो ये 1/कापा, इससे कापा क्या आ जाएगा 1/आर इंटू एल बाय ए। अब हमारे पास रेजिस्टेंस तो है लेकिन एल बाय ए की वैल्यू नहीं है, तो एल बाय ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो ये भी कंडक्टिविटी पहले सेल की दे रखी है उसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे। अब सेल तो सेम है, चाहे उसमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर दियो, और अगर सेल सेम है तो उसकी एल बाय ए की वैल्यूज सेम रहेंगी। तो अगर कंडक्टिविटी ये है तो कापा इज इक्वल टू 1/आर इंटू एल बाय ए रख के, इस बार हमें कंडक्टिविटी पता है 1.29 और रेजिस्टेंस पता है 100,
100 रखे, इसमें एल बाय ए की वैल्यू आप पहले फाइंड करोगे, उस एल बाय ए की वैल्यू को जो कि 129 आ रही है, 129 इसको यहाँ पुट करोगे, तो 1 बाय रेजिस्टेंस कितना है इस बार 520, तो 1 बाय 520 इंटू 129, तो इससे कापा की वैल्यू आपकी आ रही होगी 0.24 10^-2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मीटर में जो भी आ रही है। कापा आ गया तो फिर लैम्डा भी आराम से आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर वाला यूज कर रहे हो तो कापा इंटू 1000/m करके। ठीक है, चलो ओके okay. अगर कोई डाउट है तो रुक जाओ, वरना फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हो, और इससे रिलेटेड होमवर्क की पीपी मैं शेयर कर दूंगी, वो प्लीज सॉल्व कर लेना।